हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में वाइल्ड लूप की बात करेंगे और पैटर्न जो हमको प्रिंट कराना है। देखिए ये इस तरह का प्रोग्राम हमें बनाना है, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है और इसके आगे भी अगर 1 2 3 4 अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी और बढ़ाना भी चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम बनाना हो और वाइल लूप की मदद से बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज करता हूं और यहां से न्यू फाइल ले लेता हूं। अब हमें यहां पर वो चीजें करनी है तो यहां पर न्यू फाइल हमने ले ली है, अब यहां पर हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h और फिर यहां पर int main फंक्शन बना रहा हूं, int main लिखा हमने और यहां पे क्लोज किया, यहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहां पे int जो है डेटा टाइप ले लिया और एक i नाम का वेरिएबल ले लिया और i में इनिशियलाइज कर दिया 1 और फिर एक j नाम का वेरिएबल ले लिया और j में इनिशियलाइज कर दिया 1, दोनों में ही 1 इनिशियलाइज किया हमने और इसे टर्मिनेट कर दिया। अब ये ध्यान रखिएगा यहां पर कॉमा रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल एक साथ हम दे रहे हैं तो यहां पे कॉमा देकर के कॉमा से इसे सेपरेट करते हुए लिख देंगे और फिर लास्ट में हम टर्मिनेट कर देंगे। तो अब यहां पर वाइल लूप लगाऊंगा तो ये वाइल कीवर्ड लगाया हमने और अब यहां पे क्या देना है हमें, यहां पर हम देंगे i, अब चूंकि जितनी बार चलाना चाहे इज लेस देन और इक्वल टू, मान लीजिए हम यहां पे 12 कर दें तो ये 12 टाइम चलेगा, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 12 कर दिया, ठीक है। और इस बार हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, और ऑपरेटर, तो यहां पे और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, ये देखिए इसे और ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये और लगाया, j इज लेस देन और इक्वल टू, अब यहां पे 12 किया है तो यहां पे क्या करेंगे 11 कर देंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से हमने कर दिया है और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहां पर ये काम पूरा हुआ, अब यहां पर चूंकि लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है तो कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना ली, यहां पर जैसे ही आएंगे तो फिर यहां पर प्रिंट करवा देंगे, तो प्रिंट करवाते समय क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ लिखना होगा और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पे देना होगा परसेंट डी, ठीक है, फिर यहां पे परसेंट डी, दो बार परसेंट डी देंगे और क्लोज करके, और हम चाहते हैं कि लाइन भी चेंज होती रहे तो बैक स्लैश एन लगा देंगे और फिर क्लोज करके कॉमा देके और फिर यहां पर i, j इस तरह से दे देंगे और टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद इंक्रीमेंट करने की बारी है तो यहां से i प्लस प्लस करूंगा, टर्मिनेट करूंगा और फिर j भी तो लिया है तो j का i, j प्लस प्लस कर दीजिए, बात खत्म, ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को और फिर यहां पर रिटर्न 0 दे दीजिए क्योंकि आपने लिया है इंट मेन, ठीक है, इसीलिए रिटर्न 0 देना जरूरी, तो ये रिटर्न 0 दे दीजिए और फिर यहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बस आपका काम हो गया है। अब इसको सेव करता हूं, हम नाम दे देते हैं fun3.c, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। अब यहां से बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवा दीजिए, ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और यहां से इसको रन करवा दीजिए तो ये देख सकते हैं 12 तक ये चल रहा है। बनाना चाहे तो आप गैप भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गैप कैसे बनाएंगे, गैप क्रिएट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अगर गैप क्रिएट कराना चाहते हैं तो यहां लगा दीजिए एक बैक स्लैश एन और यहां पर एक लगा दीजिए बैक स्लैश एन और ये जो परसेंट डी है ना, देखिए एक्चुअली में ये ऐसे होगा तो यहां गैप नहीं क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, लाइन तो चेंज हो जाएगी, बीच का गैप, दो नंबर्स के बीच का गैप कम हो जाएगा लेकिन जो दो बार प्रिंट होकर आ रहा है उन दोनों के बीच में जरा भी गैप नहीं होगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये 1 और 1, ये दोनों सेपरेट होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, बिल्कुल भी गैप नहीं है, लग रहा है ये 11 22 33 इस तरह लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 1 2 3 4, ये दो बार प्रिंट हुआ है, दो लाइन प्रिंट हुई है। तो इसको सही करने के लिए आपको यहां पर बीच में बस गैप दे देना होगा, परसेंट डी और परसेंट डी के बीच में आप गैप दे दीजिए और ये इस तरीके से, और यहां से इसको सेव कर देता हूं और फिर यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल करता हूं इसको और फिर बिल्ड पे जाके रन करता हूं तो ये देखिए बीच में गैप आने लगा। तो इस तरीके से आप गैप क्रिएट करा सकते हैं।